हाई फ्रेंड्स वीडियो मैं एवरेज वाल्यू आफ् दि करंट करंट एवरेज वाल्यू और साइन वेव डिस्कसमी मन की जनरल साइन वेव एला कदा इधी मन की साइन वेव ई साइन वेव की एवरेज वाल्यू एला मैं डिस्कस अंत नी टाइम रेडियंस डिग्री नीन इक वाल्यूसान नीन तस्को टीटा अंत 0.525 वाल्यूसान नि प्रीवियस वीडियो वोल्टेज की एवरेज वाल्यू डिस्कस वीडियो ने करेंट एवरेज वाल्यू डिस्कस सो मन की इकड़े मन की मैक्सिमम करंट वाल्यू उ कदा अंत मन की आईएम सो मन की माइनस आईएम इवे मन की मैक्सिमम और पीक वाल्यूस इध मन की आई ऑफ टी और आई इध करंट वेवफॉर्म सो चूँ मन की आई इक्वल टू आईएम साइन थीटा और आईएम साइन टी और आईएम साइन ओमेगा टी एवना केस थीटा तस्कना रिफरेंस मन की एवरेज वैल्यू की फार्मूला एवरेज वैल्यू इक्वल टू एरिया अंडर दि कर्व एरिया अंडर दि कर्व इकड़ा एरिया अंडर दि कर्व अवच्छ वेव अवच्छ साइकिल एवना सर मन की कन्वीनियंट उ बाय बेस लेंथ इकड़ गमन विषय मन की साइन वेव लो फुल साइकिल की अंटे कंप्लीट साइकिल की अंटे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अंटे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल रेंडिटिकी कलिपि एवरेज वैल्यू जीरो ओकेना एवरेज वैल्यू ऑफ फुल साइकिल इज जीरो अंटे फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू रादु अंटे मन प्रेम चेयाली ओनली हाफ साइकिल मात्रमे कनुक्कुंटाम हाफ साइकिल अंटे एंटी जीरो फाइव इक्कड़ वरकु मन एवरेज वैल्यू मन फाइंड आउट चेयोच्चु अंत इक मन की एवरेज वाल्यू वस्तु चूँ जाग्रत गमी मन की ईएम इधटी रिफरेंस टीटा मन के ईटी इक्वल टू ईएम साइन टीटा अच्छे मन कौलेंटे एवरेज वाल्यू क्वेश्चन चुदा मन कावासी ई एवरेज कावाली अंत एवरेज वाल्यू आफ करंट इक्वल टू एरिया अंडर दि कर्व अंटे मन के एरिया एक्कड जीरो टू फाइव वरकु उंदि कदा जीरो टू फाइव आई टी थीटा बाय फाइव माइनस जीरो फाइव माइनस जीरो रास्ते फाइनल वाल्यू माइनस जीरो इनिशियल वाल्यू इदे मन की बेस लेंथ अवुतुंदि दीनि इंका सिंप्लीफाई चेसाम अनुकोंडि जीरो टू फाइव आई एंटंटे मन की ईएम साइन थीटा डी थीटा बाय फाइव ఓకేనా దీని ఈక్వేషన్ రూపంలో రాస్తే ఎలా వస్తుంది మనకి 1/5 ఐఎం సైన్ తీటా డి తీటా సో దీంట్లో మనకి ఒక కాన్స్టెంట్ టర్మ్ వచ్చింది కదా ఐఎం అనేది దీని బయట తీసుకుందాం అంటే ఐఎం బై 5 0 టు 5 సైన్ తీటా డి తీటా इंटिग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा अंटे मन वाल्यू माइनस कॉस थीटा अंटे आईएम बाय 5 माइनस कॉस थीटा डी थीटा लिमिट्स वच्चे मन की 0 टू 5 दीन ई लिमिट्स मन ईक्वेशन तीसुकोच्चाम अनुकोंडि आईएम बाय 5 माइनस ऑफ कॉस इक थीटा प्लेस लो वस्तुंदि मन की अंटे सॉरी इक डी थीटा लेदु कॉस थीटा ओके ई 5 माइनस ऑफ माइनस का जीरो ओकेना दी सिंप्लीफाई चुस्कें ईएम बाय 5 कॉस 5 अंटे मन की माइनस 1 माइनस ऑफ का जीरो अंटे 1 ओकेना सो इक मन की ईएम बाय 5 इकड़ा माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 एंड माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 अवुतुंदी अंटे 2 अंटे मन की ई एवरेज इक्वल टू अंटे ई एवरेज इक्वल टू ईएम बाय 5 इंटू 2 नथिंग बट 2 ईएम बाय 5 सो इक मन की 2 ईएम बाय 5 अंटे मन के 0.636 ईएम
ఇది మనకి ఐ యావరేజ్ వాల్యూ. సో దీన్ని మనం వే ఫామ్లో ఎలా చూపించవచ్చు అంటే, ఇది వే ఫామ్ అనుకోండి, ఈ వే ఫామ్లో మనకి ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ అవుతుంది. సో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకి, ఇది 100%, ఇది మనకి వి మ్యాక్సిమం అయితే కనుక దీంట్లో మనకి 63.6% అనేది ఏంటంటే యావరేజ్ వాల్యూ అవుతుంది. అంటే ఇది మనకి, సారీ, ఇది కరెంట్ కాబట్టి ఐ మ్యాక్సిమం అయితే కనుక ఇది మనకి ఐ యావరేజ్ వాల్యూ అవుతుంది. ఓకేనా? ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాం అంటే యావరేజ్ వాల్యూని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.